नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल DS ऑनलाइन ट्रेगे जीके पर। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान जीके से संबंधित 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अब हम अपना समय बर्बाद किए बिना हम अपने क्वेश्चनों की बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का वह लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीब व जरूरतमंद लोगों में बांट दिया करते थे, निम्न में से कौन है? ऑप्शन है, रूपनाथ जी व हरिराम जी, डूंगर जी, जवाहर जी, पाबू जी, हड़बू जी, केसरिया कुंवर जी व बिग्गा जी। 5 सेकंड का आप लोगों के पास में समय है, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो इस क्वेश्चन का हमारा जो तो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डोंग जी व जमार जी। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आप रोज पाने के लिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दक्षिण राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र की मीणा आदिवासियों के इष्ट देव कौन है? दक्षिणी राजस्थान के गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा आदिवासियों के इष्ट देव कौन है? ऑप्शन है, बोमिया जी, बुरिया बाबा, मामा देव और बीगा जी। आपको मिलते हैं 5 सेकंड, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा बुरिया बाबा। बुरिया बाबा गोडवाड़ क्षेत्र के मीणा आदिवासियों के इष्ट देव हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, गोमतेश्वर महादेव बुरिया बाबा का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है? वही 5 सेकंड आपको फिर से मिल रहे हैं और वीडियो के अंत में जरूर बताइएगा कि आपके इस वीडियो से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ताकि आपको आपकी जानकारी, आपका जो लेवल है वो पता चल जाएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। आंसर है, उदयपुर, दक्षिण अरावली पहाड़ी में, मुकंदरा हिल्स में और अरावली के उत्तरी क्षेत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दक्षिणी अरावली पहाड़ी में। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, राजस्थान के किस जिले में बाबा तलीनाथ अत्यधिक लोकप्रिय हैं? कि राजस्थान के किस जिले में बाबा तलीनाथ अत्यधिक लोकप्रिय हैं? तो तलीनाथ कौन से जिले में अत्यधिक लोकप्रिय है या कौन से जिले में इनका मंदिर बना हुआ है, तो आप ये बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाड़मेर जिला। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक देवता बाबा तलीनाथ के बचपन का नाम क्या था? ऑप्शन दिए हुए, वीरमदेव, श्यामदेव, चुंडा और गागदेव। 5 सेकंड का समय आप लोगों के पास में, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा गागदेव। तलीनाथ जी के बचपन का नाम क्या था? गागदेव था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि लोक देवताओं के बचपन का नाम क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिए, मैं इन क्वेश्चनों को वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ जो क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन वो है, राजस्थान के लोक देवता बिग्गा जी को किस समाज के लोग अपना कुल देवता या कुल देवता के रूप में मानते हैं? तो बिग्गा जी को कौन से जो समाज है या कौन सा समाज है कुल देवता के रूप में मानते हैं? वैष्णव समाज, नाई समाज, जाखड़ समाज और भील समाज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जाखड़ समाज। जाखड़ समाज के लोक देवता या कुल देवता कौन है? बिग्गा जी हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? 3 नंबर इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। ऑप्शन दिए हुए हैं, देव नारायण जी, रामदेव जी, गोगा जी और तेजा जी। 5 सेकंड का समय आप लोगों को मिल रहा है, फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए।
और आप जिस भी क्वेश्चन के बारे में बताते हो उस क्वेश्चन के बारे में आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखा करो ताकि आपको क्वेश्चन अब पूरी तरीके से याद हो जाए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देव नारायण जी एकमात्र ऐसे लोक देवता है जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था? किस लोक देवता की माता का नाम सुल्तानी था? तो इसके जो ऑप्शन दिए हुए हैं, पत्ताजी, हड़बूजी, बिग्गा जी और बाबूजी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिग्गा जी। दोस्तों आप वीडियो देखते हो और वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि लाइक और शेयर करने का आपको कोई पैसा नहीं लगता है और इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और आप लोगों के लिए और अधिक अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवाने की कोशिश करता हूँ। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राजस्थान में किस स्थान पर लोक देवता पत्ताजी का विशाल मंदिर बना हुआ है? ऑप्शन दिए हैं, इमलोहा, सीकर, शेरगढ़, जोधपुर, सांसुगांव, जालौर, पांचोटा, नागौर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों को नहीं आ रहा है तो मैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताऊंगा ही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सांसुगांव, नागौर, सांसुगांव सॉरी जालौर में है। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, हड़बूजी किस लोक देवता के मौसेरे भाई थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ है। आप इस क्वेश्चन को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लें, बाबा कालीनाथ के, गोगा जी के, बाबा रामदेव जी के और पत्ता जी के। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे कौन? हड़बू जी। अगला जो क्वेश्चन होगा वो है, राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी किस गांव के निवासी थे? तो हड़बू जी किस गांव के निवासी थे? तो ये थे बेंगटी गांव के निवासी थे। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा, हड़बू जी बेंगटी गांव के निवासी थे। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी किस गांव के निवासी थे? सॉरी ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो गया है, तो इसकी बात हो चुकी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। लोक देवता हड़बू जी का प्रमुख स्थल बेंगटी फलोदी राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसलमेर, पाली, जोधपुर और बीकानेर। तो आप बताइएगा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर कि इसका ऑप्शन कौन सा राइट होने वाला है। तो लोक देवता हड़बू जी का जो मंदिर है वो बेंगटी फलोदी, तो फलोदी से आप लोग अनुमान भी लगा सकते हो कि फलोदी कहाँ पे है, जोधपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जोधपुर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। श्रद्धालु किस लोक देवता की गाड़ी की पूजा की जाती है? ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि श्रद्धालु किस जो लोक देवता है उसकी गाड़ी की पूजा करते हैं। तो इसका आंसर आप बताइएगा, बाबा झुंझार जी, पाबू जी, हड़बू जी और वीर कल्ला जी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा बाबूजी की जो है गाड़ी की पूजा की जाती है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ पर है? राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर है राजस्थान में हरिराम जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह हरिराम जी का मंदिर जोरड़ा गांव में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर है 2 राइट हो जाएगा, जोरड़ा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है? इसे तेजा जी को, बिग्गा जी को, पाबू जी को और गोगा जी को। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हमारा क्या होगा? 3 नंबर इसका ऑप्शन राइट होगा, पाबू जी को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था? तो तेजा जी की घोड़ी का क्या नाम था आप सभी को पता होगा, और यदि नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको नाम पता या नहीं है, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने लोगों को इस
क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लीलन लीला केसर कालमी और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा लीलन नी तेजाजी के घोड़ी का क्या नाम है लीलन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं केसर काल में किस लोक देवता की घोड़ी का नाम था, यानी जो ये लोक देवता है आप इनकी घोड़ियों के नाम भी एक बार एक साथ याद कर लीजिएगा ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत ना आए क्योंकि कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है केसर काल में किसकी घोड़ी का नाम है आप बताइएगा। तो केसर काल में घोड़ी आप सभी को पता है ये बाबूजी की घोड़ी है केसर काल में, तो इसका ऑप्शन नंबर दो राइट हो जाएगा बाबूजी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं किसको काला और बाला कृषि का उपहार है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप इसको लगा सकते हो। काला और बाला कृषि का उपहारक देवता भी कहा जाता है, गोगा जी को तेजा जी को बाबा झुंझार जी को और वीर कला जी को। 5 सेकंड का समय आप लोगों को मिल रहा है फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा तेजाजी की घोड़ी का क्या नाम है, जो तेजाजी है इसको कृषि का उपारक देवता और काला बाला आदि के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इस क्वेश्चन की जो बात है मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि इसका जो राइट आंसर क्या होगा और किसने सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताया है। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन है छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है, जोधपुर गुजरात उदयपुर अजमेर। जो लोग सबसे पहले 5 लोग इसके क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उनका नाम मैं अगले वीडियो में जरूर उनका नाम है वो बोलूँगा कि वो लोग हैं अपना वीडियो समय पर देखते हुए हैं और उनका जो कितने क्वेश्चन उनके सही हो रहे हैं उनका नाम का अगले वीडियो में जरूर बोला जाएगा। धन्यवाद। तो आप भी इस क्वेश्चन का जवाब है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही जीके के क्वेश्चन आपको रोज़ सुबह प्राप्त हो सके। धन्यवाद।